अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, जिगर के मसाइल पाकिस्तान में बहुत आम हैं और जिगर जब ख़राब हो जाए तो बमुश्किल ही किसी मरीज़ का ठीक होता है मॉडर्न साइंस से। लिहाजा आज हम आपको जिगर के अमराज़ के लिए जो इलाज बता रहे हैं, अगर आप इस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह अज़ीज़ आप जिगर के अमराज़ से निजात भी हासिल कर लेंगे और सेहत की तरफ वापस लौट आएंगे। तो जिगर हमारे जिस्म का एक सबसे बड़ा और एक बड़ा ऑर्गन है। वैसे तो सबसे बड़ा ऑर्गन जो हमारे जिस्म का वो जिल्द है, स्किन है, उसके बाद दूसरे नंबर पे जिगर है। जिगर हमारे जिस्म में बहुत मुफीद अफ़आल सर अंजाम देता है। जिगर की मौजूदगी से ही हमारा जिस्म कायम है। अगर जिगर ना हो या ख़राब हो जाए या काम करना छोड़ दे तो फिर इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, फिर ज़िंदा नहीं रहा जा सकता। लिहाजा बहुत ज़रूरी है कि जिगर की सेहत का ख्याल रखा जाए। बदपरहेजियाँ ना करें, बासी खाने ना खाएँ, रात के पड़े हुए खाने ना खाएँ, ज़रूरत से ज़्यादा खाने ना खाएं, एक एक वक्त में तीन चार तरह के खाने ना खाएं, इससे जिगर पर बहुत बुरा असर पड़ता है। ये जो तले भुने खाने हैं, मुर्गन गिज़ाएँ हैं, ये खाने से जिगर बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार होता है। बात करते हैं अब नुस्खे की। जिगर के तमाम अमराज के लिए एक बहुत आसान और मुफीद नुस्खा है जो आयुर्वेद की कदीम किताबों में लिखा हुआ है। मैंने वो निकाला आपके लिए, आज मैं आपको बता रहा हूँ। कुवार गंदल, जिसे गेखवार भी कहते हैं, कुवार गंदल का रस लेना आपने 6 माशे, और उसके अंदर सीधा नमक और घरेलू नमक जो होता है टेबल सॉल्ट, ये 4-4 रत्ती इसके अंदर डालना है और ये मिक्स करके खिला देने से, आपस में ये चीज़ें, तीनों चीज़ें मिक्स करके खिला देने से जिगर के तमाम तरह के अमराज का इलाज होता है। लेकिन ये करना हर रोज़ है आपने, 20-25 दिन, 1 महीने तक आप इसे करें और इंशाल्लाह अज़ीज़ जिगर के अमराज से आप निजात हासिल कर लेंगे। अगर किसी का जिगर बढ़ा हुआ है, जिगर बढ़ जाए, उसकी साइज़ बड़ा हो जाए, तो उस सूरत में क्या करना है आपको, तारपीन का तेल इस जिगर के हिस्से के ऊपर, जिगर इस तरफ होता है दाईं जानेब, इस हिस्से पर तारपीन के तेल की अच्छी तरह से मालिश करें, और जब उसकी अच्छी तरह से 15-20 मिनट तक आप मालिश कर लें तो उसके बाद गर्म पानी का सेक वहाँ पर दें या भाप का सेक वहाँ पर दें, स्टीम दें वहाँ पर या तो गर्म पानी का सेक दें। गर्म पानी का सेक देने का तरीकाकार ये है कि आप कोई तौलिया गर्म पानी में भिगो के उसे निचोड़ के तो उसे जिगर के ऊपर रखें, फिर दूसरा तौलिया उसके अंदर गर्म पानी के अंदर रखा हो, जब आप इस तौलिए को उतारें तो दूसरा तौलिया उतार के रख दें। 10-15 मिनट तक इस तरह से आपने नीम गर्म पानी का सेक देना है तो बड़ा हुआ जिगर इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ये आपने 10-15 दिन करना है तो इससे बड़े हुए जिगर को बहुत फ़ायदा मिलता है और वो बड़ा हुआ जिगर अपने साइज में वापस आ जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा के ऑल नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आपको मिल जाए। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।